लेकिन मोदी जी ने तो मिनिमम वेज के लिए बोला था कि मिनिमम वेज सभी को मिलेगा। नहीं, वो वैसे वो नहीं किया है, वो तो अदानी अंबानी को लिए किया है, लेकिन आम जनता का ने कुछ नहीं किया है। हम लोग देखते हैं वो अदानी अंबानी का चमचा है, पेट्रोल डीजल रनर गैस, क्या बोला था रनर गैस एकदम क्या था, आज क्या है, तो हम लोग को फील कर रहा है। सरकार व्यापारी का साथ क्यों देगा? सरकार को तो आम जनता का साथ देना चाहिए। आधा हिस्सा है मोदी अडानी का अंबानी का, ये मोदी की चाल जनता को मत समझा, सारी एक एक जनता मोदी से खिलाफ है। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया, और इस समय मैं रामलीला मैदान में हूं और बड़ी संख्या में लोग यहां पर आए थे धरना देने के लिए, प्रदर्शन और अपना विरोध प्रदर्शन यहां पर तमाम संगठनों के द्वारा यहां पर हुआ था। ऐसे में CI2 मेरे साथ है, इस समय तमाम कार्यकर्ता हैं और वो कामरेड हैं, आपको पता है भगत सिंह वो भी एक कामरेड थे, तमाम लोगों की विचारधाराओं पे चलती है, आप जानने क्या कहेंगे सर? हम लोग चल रहे हैं, ऐसी लड़ाई कर रहे हैं मोदी जी का विरुद्ध में, क्योंकि हम लोग उनका जो मजदूर यूनियन है, मजदूर जो है आम जनता का सब कमाई उसका सर पर हाथ रख कर कमा लेता है, लेकिन उसका जो मजदूरी है वो नहीं मिलता है। आम जनता का जो मजदूरी है, जो CI2 का तरफ से मजदूर यूनियन सब काम करता है, उसका जो मजदूरी है वो नहीं ठीक ठाक मिलता है, इसलिए हम लोग इसी का। लेकिन मोदी जी ने तो मिनिमम वेज के लिए बोला था कि मिनिमम वेज सभी को मिलेगा। नहीं नहीं, वो वैसे वो नहीं किया है, वो तो अदानी अंबानी को लिए किया है, लेकिन आम जनता का ने कुछ नहीं किया है। अदानी अंबानी के लिए है ऋण का मुकुफ होता है, लेकिन आम जनता के लिए 30,000 से 3 लाख तक ऋण नहीं मुकुफ होता है, उसका इंटरेस्ट ज़्यादा लग जाता है, यही मोदी जी का कल्चर। बोलते हैं एक और करते हैं दूसरा। वो जब 2014 में जब आया था, बोला था, कुर्सी में बैठा था, 2 करोड़ आदमी को नौकरी होगा, लेकिन नहीं हुआ। हम लोग देखते हैं वो अदानी अंबानी का चमचा है, उसका टाका में सेंट्रल में बोसा, उसका लिए काम कर रहा है, गरीब मजदूर किसान जे उस लोग से कोई काम नहीं करता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक साथ जमायत किया एवं आंदोलन किया, एक सरकार को हटाना पड़ेगा, ये सब बात होती। कितना फर्क लग रहा है आपके आंदोलन से पड़ने वाला सरकार को? जरूर, सारा देश ने देखा आज के क्या आंदोलन हुआ रामलीला मैदान में, तब तो आपने छूटे आया हम लोग का बात दिखाने के लिए, ताछाड़ा तो मीडिया वाला तो नहीं आता है, उसका तो सब खरीद लिया, आपको अभी खरीद नहीं ले सकते, इसलिए आपने आया। मेरा एक तो प्रॉब्लम हो रहा है बोलने के लिए, जेहेतु हम लोग वेस्ट बंगाल से है, बंगाली में बोलने हम लोग सुविधा हो गया, भूल हो जाता है, माफ़ करना, इसलिए हम लोग यहाँ पर मिलना है, जेना तेना उपाय भाजपा सरकार को हटाना होगा, तब गरीब को क्या कमी क्या है आखिर भाजपा सरकार में, थोड़ा सा बताएं मुझे। भाजपा सरकार का सब ही कमी है, आज के मेडिसिन का कितना दाम बढ़ गया, गरीब लोगों को मेडिसिन भी आज के किन से नहीं सकता, जिनिस पत्र का दाम कैसा बढ़ गया, पेट्रोल डीजल रनर गैस, क्या बोला था रनर गैस एकदम क्या था, आज क्या है, तो हम लोग को फील कर रहा है। ठीक है, देखिए लगातार गुस्सा है लोगों में। हाँ, दोष जो है ना वो मोदी का नहीं है, अब गोदी का भी नहीं, जो गोदी मीडिया है ना वो उसका ही कसूर है, गोदी मीडिया का दोष है एकदम एकदम, मोदी जी है ना वो दिखाता ही नहीं, मोदी जी का कोई दोष नहीं, मोदी जी क्या बोलेगा, बोला था सबका अकाउंट में पैसा दे देंगे 15 लाख रुपया, वो तो बोला था, जुमला है जुमला है, क्या फायदा है आपको प्रॉब्लम, कोरोना काल में क्या बोला था, घंटा बजाओ थाली बजाओ, अरे थाली बजाने से क्या होता है, तो बजाया तो सर। थाली बजाने से दलिद्दर घुसता घर में, आज भारत में दलिद्दर घुस गया, इसका कारण है मोदी सरकार, ये मोदी देश से चला जाएगा, ये 24 साल के जो इलेक्शन 2024 की बात कर रहे हैं, 2024 में मोदी फिनिश, मोदी फिनिश, अरे 400 से ज्यादा मोदी हटाओ, 400 से ज्यादा सीटें लाने का दावा कर रहे हैं, नहीं 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 वो नहीं होगा मोदी, कुछ और लोग भेजी, सुनिए हमारा जो दाबी था आज का जो जुलूस था, इधर जो आंदोलन था, इसका दाबी था 14 दफा दाबी था उसके में, इसमें था बिजली आइन 2022 वो बातिल करना पड़ेगा, उसमें तो गरीबों का नुकसान ही नुकसान होता है, अभी GST लागू करके पहले कह रहे था कि खाने का चीज़ में जो हमारा
जान जान जिंदा रहने का जो चीज है उसमें जीएसटी नहीं लागू होगा, और तो सब में जीएसटी लागू हो गया, आटे में, रोटी में, बिस्किट में, रोटी आटे खाना दूध सब में जीएसटी लागू हो गया। ये कैसा जो पहले पहले जो बताता था गरीब का सरकार है, तो गरीब का देश 10,70,000 करोड़ रुपया अदानी अम्बानी और हमारा देश का जो पूंजीपति है उसको छोड़ दे दिया, और हमारा जो गरीब आदमी है अब देखिएगा अभी रेलवे का सर्विस कैसा हुआ है। 60 बसर का जो उसका जो सीनियर सिटीजन का जो सुविधा मिलता है वो भी हटा दिया, सब हटा दिया। बीएसएनएल का भी ऐसे हो गई, बीएसएनएल का भी अंबानी आदान को बेच के लगा है, बीएसएनएल का भी रोड पे लगा दिया। हम लोग 5G बीएसएनएल नहीं होता है, बीएसएनएल का टावर लेके जियो अंबानी व्यवसाय कर रहा है। ये क्या देश है, देश तो आम जनता के लिए हो रहा है। मुड़ी मुड़ी जो खाने के लिए गरीब आदमी का जो खाने के लिए मुड़ी है उसके में भी जीएसटी लगा दिया। सबसे गरीब का जो खाना है मुड़ी, वेस्ट बंगाल में सारा देश में अभी मुड़ी चलता है, बहुत सस्ते कर खा रहा। मूली मूली मूरी मूरी सब में खाने का जो चीज है सब सब में जीएसटी लग गया है। ये क्या है, तो जीएसटी है बड़े रीजन की। जीएसटी तो जीएसटी ने 14 दफा भी है, किसान का जो खेती बाड़ी में जो काम कर रहा है उसका सब सार में पेट्रोलियम पढ़ने में 75% भर्तुकी निकल चुका है, सार में 21% भर्तुकी निकल चुका है, जो हमारा जो ग्रामीण कृषि योजना का जो है उसमें 17% भर्तुकी ले छूटा गया है। सबका भर्तुकी गरीब को जो फायदा होगा उसमें भर्तुकी उठा दे रहा है, और बड़े लोग में जो धनी है पूंजीपति का जो उसका मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है। अब देखिए ना कोरोना में गरीब और गरीब 20 करोड़ आदमी का काम चला गया कोरोना में, और मोदी अम्बानी अदानी का 700 नीरव मोदी अदानी अम्बानी का 709% बढ़ गए। ये क्या है, ये हमारा बेकारों का रोजगार, व्यापारी है सर, बिजनेस कर रहे हैं। नहीं नहीं व्यापारी का सरकार व्यापारी का साथ क्यों देगा, सरकार को तो व्यापारी का साथ देना नहीं चाहिए सर, सरकार को तो आम जनता का साथ देना चाहिए, ये है ना जी। कुछ और लोग भी जी चलिए, एक ही व्यापारी है हिंदुस्तान का, एक ही टाटा भी लगा गया, ये अडानी अम्बानी है कि जो मोदी आधा खा रहा अडानी अम्बानी से। अम्मा दिक्कत क्या है सरकार को, दिक्कत क्या है सरकार से, तो पूरी जनता दुखी है वर्ल्ड की। कहाँ आपको पता है G20 मना रहा है देश, किसका G20, ये खाली दुनिया के इतने सारे करोड़पति की G20 है, गरीबों के घर जाके चूल्हा देख ले, गरीबों के घर साबुन के पैसे नहीं मिला, जो कांग्रेस के टाइम पे 200 ग्राम साबुन था आज वो साबुन 100 ग्राम का कर दिया, उस टाइम पे 6 रुपए का साबुन मिलता था, कांग्रेस के टाइम पे 200 ग्राम साबुन निरमा साबुन। देश को तरक्की नहीं कमा रहा है देश, हाँ कमारा कर दिया ये मोदी अडानी के आर पे, मोदी ने कमारा कर दिया। अडानी तो व्यापारी है, वो तो भाई किसने बोला व्यापारी है, किसने बोला व्यापारी, वो तो बिजनेस है, खाली मोदी के साथ मिली भगत हो गया व्यापारी है। सारा हिंदुस्तान का सोना 4200 रुपये सोना था कांग्रेस के टाइम पे, आज सोना अडानी अम्बानी की जेब में डाल के जनता को कितने का भाई सोना दे रहा मोदी, वो कह रहे तरक्की कर रहा, तरक्की इसको है ना, सारे सुनार है ना, सारे बनिए है, मारवाड़ी है, जे है ना, वो अडानी अम्बानी का आधा हिस्सा है, मोदी का आधा हिस्सा है, मोदी अडानी का अंबानी का। और दो महीने पहले दिवाली ला दी ना बंदे ने, 10वां महीने में दिवाली, 12वां महीना में दिवाली आती, जब 4 महीना पूरा होता है बंदे का, 4 महीना 4 महीना गर्मी, 4 महीना सर्दी, 4 महीना ठंडी, तो उसके अंदर 12वां महीने में दिवाली आती, तो उसी टाइम पे किसान बुआई करता है, लेकिन उन्होंने दिवाली पहले ला दी, दिवाली पहले उसने बुआई कर दी थी, तो किसका नुकसान हुआ, ये नुकसान किसान का नुकसान हुआ तो जनता का नुकसान हुआ, जनता भूखे मर जाएगी, आज किसान का राशन खत्म होगा, जनता खुश है। जनता कौन सी खुश है, सारी जनता तो खरबपति जनता, सारी जनता 200। अरे अम्मा जनता खुश है रोडों पे, बात सुनने भाई तू है ना, अपनी मत चला तू, मोदी वाली चाल मत चला, ये मोदी की चाल जनता को मत समझा, सारी एक एक जनता मोदी से खिलाफ है। रामलीला मैदान से तमाम लोग थे और अपनी अपनी मुद्दों को लेकर ये लोग रामलीला मैदान में आए हुए थे, और तमाम मुद्दे हैं, मुद्दा चाहे बेरोजगारी का हो, किसानों का हो, और तमाम गरीब परिवारों का मुद्दा हो, आज वो इसलिए भी खफा है क्योंकि जीएसटी रोटी पर भी जीएसटी लगा दी गई है।
तो दोस्तों आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।